बट वहाँ पे मैं अपने बाल वगैरह सब पैक पुक कर रही थी ताकि मेकअप बहुत इजी से कर सकूँ, बट मैंने चेंज कर लिया। मुझे ना कंफर्टेबल नहीं लग रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था नहीं नहीं उलझन हो रही थी, तो मुझे लगा जो चीज़ में कंफर्टेबल हो ना वो ही करो भाई। तो मैंने क्या किया, अपना स्किन केयर से स्टार्ट किया, एल्फ गुडनेस का टोनर लगा लिया। टोनर ज़रूर लगाया करो, आपके जितने पोर्स होते हैं ना मिनिमाइज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छे से टोनर लगाने के बाद अभी विंटर्स आ गई हैं जैसे आप सबको पता है, तो गुड वाइब्स का यहाँ पे मैं विटामिन ई वाला सीरम लगा रही थी। सीरम्स ना विंटर्स के लिए अच्छे हैं, तो मैंने अपनी स्किन ना अच्छे से पहले प्रेप कर ली क्योंकि मेकअप इतना हैवी होने वाला था ना। भले वो न्यूड टाइप का मैंने करने की कोशिश की बट यार बेस वगैरह तो काफ़ी मतलब था ही ना, फुल कवरेज था। बायोटिक का यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र, काफ़ी अच्छा वाला मॉइस्चराइज़र है, थिक वाले, ऐसे थिक वाले ना जैसे गुड वाइब्स हो गया, बायोटिक हो गया, ये सब ना विंटर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छे से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और मॉइस्चराइज कर देते हैं। बायोटिक का भी काफ़ी अच्छा है एंड अफोर्डेबल भी है। पर्पल का 24K गोल्ड कैरेट वाला प्राइमर है, काफ़ी अच्छा वाला प्राइमर है, आपके जितने पोर्स होते हैं ना प्राइमर उसको ब्लर करने में हेल्प करता है, फिल कर देता है। आपका बेस जो होता है ना काफ़ी लंबे समय तक टिका रहता है आपके फेस के ऊपर, जैसे ब्राइड हो, जैसे आप हल्दी में कर रहे हो, ये आप खुद की हल्दी में भी कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। यहाँ पे मैं मेबलिन का मैट फाउंडेशन एंड नाइका का फुल कवरेज वाला फाउंडेशन ले रही हूँ, दोनों को मिक्स मैच करके अपना शेड बनाऊंगी, एक पम्प उसका लूँगी एक पम्प उसका लूँगी। एंड फाउंडेशन जब भी लगाओ आप शेक ज़रूर कर लो बॉटल को। और ये जो मेहंदी है ना गाइज, मैं बता दूँ ये मैंने खुद अपने हाथों से लगाई थी, मैंने सोचा मैं किससे ही लगवाऊँ, कोई मिल भी नहीं रहा था, तो या बस इच्छा थी सीरीज़ करने की तो मैंने स्टार्ट कर दी।
पूरे फेस में आपको मैं डॉट डॉट करके अप्लाई करके दिखा रही हूँ, आपको पूरे फेस में अपने डॉट डॉट करके ही अप्लाई करना है। इकट्ठा लगा लोगे ना तो आपका जो ब्रश होगा ना वो बहुत ज़्यादा गीला गीला सा चिपक जाएगा, और आप कम कम लगाओगे ना तो ब्लेंड काफ़ी अच्छे से कर जाएगा ब्रश से। एंड बाद में अगर आपको लगता है कि भाई आपको और चाहिए तो बाद में फिर लगा लो, लेकिन आप इकट्ठा मत लगाओ, ठीक है। आप अपने ईयर एंड नेक को मत भूलो भाई, ये भी आपके आप ही के हैं। मामा अर्थ का यहाँ पे मैं लगा रही हूँ कंसीलर, इसमें शेड है मेरा, एक मिनट, आइवरी ग्लो 01, इसमें मेरा शेड था। एंड फाउंडेशन का शेड बता देती हूँ आपको, अब बेज 06 नाइका में था, एंड आइवरी ग्लो और फाउंडेशन उसमें था, किस में था यार, फिट मी में, मेबलिन में, ओके। अंडर आइज में लगाऊंगी थोड़ा सा, ये कट एक आ जाता है यहाँ पे लगाने पे, मतलब थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है, फेस को लिफ्ट मिल जाता है यहाँ पे कंसीलर लगाने में। मेन पॉइंट्स होते हैं जहाँ जहाँ आपको नीड है भाई, वहाँ वहाँ लगाओ, मुझे कंसीलर की ऐसे जितनी नीड नहीं पड़ती है, टच वुड, ओके। लगाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, अच्छे से मैं अपने फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ एट द एंड, ताकि एक अच्छा सा सटल सा फिनिश आ जाए, ठीक है। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ना काफ़ी अच्छा हो जाता है, वरना मुझे ऐसे अंदर से लगता है कि नहीं केकी रह गया। चलो अच्छे से मैं क्या कर रही हूँ, कॉन्टोर पैलेट मैंने लिया है, मतलब क्रीम वाला आज कॉन्टोर करने की इच्छा थी, क्योंकि मैंने देखा है कि ब्राइड्स को ना ऐसे ही करती हैं पार्लर वाली, पहले ऐसे कर देती हैं कॉन्टोर, उसके ऊपर से पैलेट से लगाती हैं, मतलब पाउडर वाला। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई हम भी ट्राई कर लेते हैं। रेने का यहाँ पे मैं ले रही हूँ ट्रांसलूसेंट पाउडर, काफ़ी अच्छा वाला पाउडर है, और इसका ये ब्रश भी है, ब्रश तो मुझे पूरा सेट आया था, ब्रांड ने भेजा था। अच्छा से सबसे पहले मैं अपनी अंडर आई एरिया सेट करूँगी। अच्छा मैंने ना लेंस लगाने का सोचा है, तो मैं मेहंदी वाले में लेंस लगाने वाली हूँ, और यार आई होप मेरी पूरी सीरीज़ बहुत अच्छी जाए, बहुत अच्छी जाए, एंड आप लोग को भी बहुत अच्छी लगे, ओके। पूरा अपना फेस मैं इसी पाउडर की हेल्प से सेट कर लूँगी गाइस, और उसके बाद आपको एक हैक बताती हूँ, डायरेक्ट आप अपनी लिड में अप्लाई मत करना, क्योंकि लाइंस पड़ जाती है, क्योंकि क्रीज ज़रूर करती है। तो जब भी आप अपने अंडर आई में लगाओ, चाहे आप ब्लेंड कर चुके हो या ना कर चुके हो, आपको एक बार और ब्लेंड करना है, उसके बाद ही लगाना है, आँखें ऊपर करोगे लाइन आ जाएगी। स्विस ब्यूटी की 4-in-1 आईब्रो पैलेट है, आईब्रो मैंने बनवाई हुई थी इसलिए ज़्यादा ही खुश थी, वरना तो हमेशा मैं अपनी आईब्रोज क्लीन करती हूँ, मतलब एजेस क्लीन करती हूँ, आज मैंने नहीं किए। आईब्रो मैं गई थी पार्लर बनवा करके आई थी यार, बहुत अच्छी बनाई थी उसने सच में यार, मतलब सबसे पहले मैंने कोम किया अपनी आईब्रोज को, और अच्छे से मैं फिल करना स्टार्ट करी हूँ। मैं ना ब्राउन शेड लेती हूँ, ब्राउन शेड की हेल्प से मैं फिल करना स्टार्ट कर रही हूँ, और जब आपकी आईब्रो बनी होती है ना तो काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब फिल करने में भी मज़ा ही आती है। अच्छे से फिल कर लिया, एंड उसके बाद वापस से हेल्प से सॉरी क्या है आईब्रो स्पूली की हेल्प से कॉम कर लूँगी, ठीक है। एंड जितना एक्सेस पाउडर था ना, इसको जितना सोखना था मेरे बेस को सोख लिया है, तो उसके बाद मैं इसको रिमूव कर दूँगी। फिर मैंने लिए रेवोल्यूशन की अल्टीमेटिक आई शेडो कलेक्शन वाली पैलेट, इसमें ना बहुत सारे शेड्स थे, बहुत सारे, एंड बहुत सुंदर पैलेट थी यार, बहुत प्यारे प्यारे शेड्स थे। पॉइंटेड ब्रश लेके पर्पल शेड लिया, पर्पल पिंकिश टाइप का शेड लिया, एंड जस्ट वी शेप दे, जस्ट मैं अपनी क्या बोलते हैं उसको, एक शेप दे रही हूँ वी टाइप का, यू कैन सी मैंने एक शेप दिया है, एंड जस्ट मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ। मुझे आज ज़्यादा हैवी वाला आई लुक नहीं चाहिए था, ऐसे तो मैंने किया तो सब कुछ है, बट मुझे ना न्यूडिश टाइप का थोड़ा चाहिए था। फिर मैंने क्या किया, ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे एक शिमर वाला शेड लगाया, पिंक और सिल्वर और ग्रे, तीनों को मिक्स करके मैंने अपने लिड में लगाया, हाफ लिड में। एंड नीचे साइड मैंने कोई भी मैट शेड नहीं लगाया, शिमर वाला ही शेड लगाया, और आज मैं काजल भी स्किप कर रही हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद फिर मैं उसको स्मच कर रही हूँ। फिर मैंने ग्रे शेड लिया, ग्रे शेड को मैं आईलाइनर की जगह पे उसको ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि एक स्मोकी सा इफेक्ट मिल जाए। एंड यू कैन सी इतने से आई लुक में इतना सुंदर लग रहा था ना ये वाला आई शेडो, मतलब मस्त लग रहा था, कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा था। पर्पल का ये मैं लिक्विड आईलाइनर ले रही हूँ, जेल आईलाइनर, इसकी हेल्प से मैं लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर मुझे बहुत पतला चाहिए था,
बट वो थोड़ा सा मोटा हो गया। कोई बात नहीं, फिर मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। मैंने क्रीम कॉन्टोरिंग पहले की थी, उसके ऊपर से मैं पाउडर कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ ताकि नोज़ मेरी स्ट्रेट लगे। कॉन्टोर बहुत एक मेन पार्ट है, मेन मेन जगह पे करूँगी, चीक बोन्स में, नोज़ एरिया में, जॉ लाइन में, फोरहेड में। और पाउडर की हेल्प से मैं क्लीन कर लूँगी ताकि बिल्कुल नोज़ स्ट्रेट लगे। के प्ले का मैं ले रही हूँ ब्लश। ब्लश मैं अच्छे से लगा लूँगी चीक बोन्स में, एप्पल ऑफ द चीक में मुझे नहीं पसंद अब लगाना। नायका का हाइपर कर्ल मस्कारा ले रही हूँ। मस्कारा से अच्छे से अपनी आई लैशेस को कर्ल कर लूँगी, कोटिंग कर लूँगी। यू कैन सी एक ही बार, एक ही मतलब डिप में ये कितना इसने कर्ल कर दिया था। और यहाँ पे मैं अपनी फॉल्सेस लगा रही हूँ। फेक नेल्स के साथ फॉल्सेस लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था गाइज, बट ठीक है, हो गया था। एंड आई लुक की मैं सच में फैन हो गई, मतलब बहुत अच्छा था। पर्पल का ये पर्पल ब्रांड का स्पार्कल या वाला ये मस्कारा, सॉरी ये था हाइलाइटर। हाइलाइटर भी काफ़ी अच्छा है। चीक बोन्स में लगाओगे, फोरहेड में लगाओगे, नोज़ में लगाओगे, क्यूपिड बो में लगाओगे, आइस के कॉर्नर में लगा लोगे, ठीक है। लिप्स के ऊपर लगाओगे, चिन में लगाओगे। कैरमल न्यूड मामा अर्थ की लिपस्टिक थी, इसका शेड है कैरमल न्यूड 0 ऐसा करके कुछ। रुक जाओ मेरे सामने रखिए। कैरम नहीं, इसका शेड है प्लम पंच 02 या सॉरी ये शेड है। इसका मैंने शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, ये शेड में मैंने कुछ मिक्स करके लगाया है। सो वो एक ट्रिक थी, हैक था, वो शॉर्ट वीडियो जाके आप लोग देखो। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, अपनी मैंने पूरी हेयर स्टाइल बना ली। हेयर स्टाइल ना थोड़ी सी डिफरेंट रखने की मैंने कोशिश की थी गाइज। एंड यहाँ पे मैं कर्ल्स कर रही थी, और मैंने बाल तो अपनी अभी कटवाए हैं दिवाली के समय, तो थोड़े छोटे हो गए थे बाल। यहाँ पे मैं कर्ल्स करने बैठ गई थी, और मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया है ताकि आप लोगों को भी दिखा सकूँ। लाइट यहाँ पे इसलिए कम लग रही है ना क्योंकि यहाँ पे एक ही बोल्ड है, तो वहाँ पे मैं रिंग लाइट नहीं लगा सकती थी। रिंग लाइट हटा करके मैंने वहाँ पे ये कर्ल वाली मशीन लगा दी, मतलब ये चॉपस्टिक है, ठीक है। फिर उसके बाद पूरे बाल कर्ल्स हो गए, हेयर स्टाइल बहुत सुंदर बनी थी गाइस, बहुत सुंदर। लॉरियल का मैंने लगाया यहाँ पे सीरम, सीरम अप्लाई कर लिया पूरे बालों में ताकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज ना लगे और उड़े उड़े से ना लगे, ठीक है। अब यू कैन सी मेरी हेयर स्टाइल कितनी सुंदर बनी है। मैंने अपना आउटफिट चेंज कर लिया है, एंड इसके बाद ये मैं ज्वेलरी पहन रही हूँ। ज्वेलरी है जावेरी पर्ल्स की, मिंत्रा से मैंने परचेस की है। ड्रेस भी मिंत्रा की है, तो काफ़ी अच्छी ड्रेस है। और इयररिंग भी इसके कुछ ऐसे टाइप के हैं, ये आई थिंक 300 समथिंग की थी, काफ़ी अच्छी थी। ओके गाइज, ये मेरी आज की वीडियो थी, और कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट आएगी मेहंदी की वीडियो। मेरे से मैं जितना कर पा रही हूँ ना, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप लोग को जो भी लगे ना कि भाई ये गलती हो गई है, तो उसके लिए सॉरी दिल से, बट मैंने पूरी कोशिश की है। सो यही था मेरा आज का वीडियो। आप लोग खुद की हल्दी में भी डेफिनेटली ये कर सकते हो, बहुत अच्छा लुक लग रहा है। ओके, मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर गाइज, बाय।